हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेकर आ गई फिर से एक मोदक की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें सिर्फ गिनती के इंग्रेडिएंट्स है, ऑलमोस्ट नो कुकिंग है। और एक ही रेसिपी से मैं आपको दो वर्जन्स बता रही हूँ यहाँ पर। सो मेरे चैनल पर चल रही है फेस्टिव सीरीज़, इसी सीरीज़ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे फेस्टिव रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए हैं। सो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। और एक मैंने उकड़ीचे मोदक या फिर स्टीम्ड मोदक की रेसिपी भी पोस्ट करी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मोदक की रेसिपी आप गणेश चतुर्थी में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसमें तीन ही इंग्रीडियंट्स हैं एंड ऑलमोस्ट नो कुकिंग है। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 150 ग्राम जितना मावा या खोया एंड 1 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर। नेक्स्ट मैंने ले लिया है यहाँ पर एक पैन, और उस पैन में मैं डाल रही हूँ जो मेरा मावा है वो। उसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हार्डली 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है, ताकि जो इसके क्रम्स है वो पिघल जाए एंड ये थोड़ा एक साथ में आ जाए। इसको धीरे धीरे चलाते हुए हम लो फ्लेम पर ही 1 से 1.5 मिनट इसको पका लेंगे। सो ये आप देख रहे हो धीरे धीरे ये एक साथ में आ रहा है, थोड़ा सा नरम हो जा रहा है, बस अब इसको हम निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा हम इसके बाद इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि आपको पता चले ये कितना इसमें शुगर जाएगी, और फिर इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सो ये मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, क्योंकि मेरा मावा एकदम फ्रेश था तो शुगर मिक्स करने के बाद ये एकदम नरम हो गया है एंड एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैं यहाँ ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट घिसा हुआ नारियल एंड उसमें जो मावे का मिक्सचर है उसको मिक्स कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर आधा ही मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सेम ही मिक्सचर से दो वर्जन ऑफ मोदक बनाने हैं। सो मैं पर हाफ जो मेरा मिक्सचर है उसको मिक्स कर रही हूँ कोकोनट में। बस ये मिक्स होने के बाद ये मिक्सचर एकदम रेडी है मोदक बनाने के लिए। सो देखा आपने कितना सिंपल है, सिर्फ 3 ही चीज़ें यहाँ पर यूज़ करनी है मोदक बनाने के लिए। उसके बाद मोदक बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मोदक वाला मोल्ड। सो मेरे पास ये मोल्ड है, आपके पास जो भी तरीके का मोल्ड हो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको हाथ से भी बना सकते हो। इस मिक्सचर को अच्छे से दबा दबा के मोल्ड में भर लेंगे, ताकि ये जो शेप है मोदक का ये अच्छे से ले ले। बस ये मोदक अब रेडी है। देखा आपने कितना सिंपल है एंड बहुत ही इजीली ये मावा वाले मोदक बन जाएंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा कुकिंग प्रोसेस भी नहीं है एंड रेडी है मावा के घर में बने हुए मोदक। सो अब बढ़ते हैं दूसरे वर्जन की तरफ। सो मैं सेकेंड टाइप का मोदक बना रही हूँ, उसके लिए ऑब्वियसली सेम मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ एंड सेम जो डेसिकेटेड कोकोनट है या किसा हुआ नारियल है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड पिछली बार की तरह ही जो मावा एंड शुगर का मिक्सचर है उसको हम कोकोनट में मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर हिट करिए, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, से मेरे पास यहाँ पर ग्रीन कलर है, आपके पास जो कलर है आप डाल सकते हो, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है डालना। अगर आप नेचुरल कलर चाहते हो तो थोड़ा सा केसर वाला दूध भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही सुंदर कलर आएगा। सब ये कलर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको रख लेंगे साइड में, मोदक बनाने की तैयारी करेंगे। हम इसको फिलिंग वाले मोदक बनाने वाले हैं। सो मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा
कटे हुए पिस्ता जिसको हम अंदर फिल करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया था ताकि जो पिस्ते का कलर है ग्रीन कलर वो एक अच्छे से थीम में बन जाए। अब मैं सिमिलर जो मेरा मोदक का मोल्ड है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। इसमें पहले थोड़ा सा मिक्सचर फिल करेंगे, उसको अच्छे से दबा लेंगे, साइड्स को भी अच्छे से दबा लेंगे। साइड से अच्छे से फिल करने के बाद बीच में इसमें डालेंगे थोड़े कटे हुए पिस्ता। आप यहाँ पर आपकी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, कुछ और भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, आप चाहे तो रोज़ फ्लेवर का अगर आपको बनाना है तो गुलकंद डाल सकते हो एंड मिक्सचर में रेड कलर डाल सकते हो ताकि बहुत अच्छे से रोज़ का फ्लेवर आ जाए। रोज़ का एसेंस भी डाल सकते हो चाहिए तो। तो ये मोदक बनके रेडी है। अब देखो ये ग्रीन कलर डालने से इसका लुक कितना बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी की फिलिंग डाल सकते हो, अपने अपनी मर्ज़ी के कलर डाल सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के एसेंस डाल सकते हो। तो यहाँ मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ किस तरीके के लग रहे हैं मोदक। जैसे कि आप देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो ये दूसरे वाले मोदक भी रेडी है, आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये गणेश चतुर्थी पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाहर जाकर बाहर से कुछ खरीदने की जगह पे अगर आप घर पे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड बहुत इजी है, फटाफट बन जाते हैं। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आपको ये मोदक कैसे लगे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर हिट करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे कि मैंने कहा मेरे चैनल पर चल रही फेस्टिव सीरीज़, तो जरूर जाकर मेरा चैनल विजिट करें। फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ हैं, गणपति डेकोरेशन आइडियाज़ भी है, सो जाकर ज़रूर विजिट करें। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।